बंदा पूरा सोफे के अंदर बैठता है वाइट कलर की पाइपिंग के साथ बीच की लाइन है बहुत ही इसको प्रीमियम बनाती है जब बंदा इसके ऊपर बैठता है ना तो बंदा नॉर्मल अपनी बाइक पे नहीं बैठा बंदा एक तरीके से सोफे पे बैठा है क्योंकि इसके पीछे जो पिलियन के लिए भी बहुत ज्यादा कंफर्ट है बहुत ज्यादा सॉफ्ट सीट ही बनाई इसका क्वेश्चन देखो आप देखो कितना मजा आ जाएगा आपको इसके ऊपर बैठ के तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की कंफर्टेबल सीट्स के बारे में जिसके अंदर हो सकती हैं आपकी बैकरेस्ट वाली सीट जैसे स्क्रैम्बलर टाइप सीट आती है एकदम सीधी क्लासिक के लिए डायरेक्ट फिट होने वाली या फिर अगर आपको चाहिए लो राइडर सीट या आपको चाहिए हार्ले हार्ले स्टाइल की सीट या ऐसी कोई सीट चाहिए आपको जो बिल्कुल पीछे से बिल्कुल पतली हो और आगे वाले बंदे के लिए कंफर्टेबल हो थोड़ा स्टाइलिश को ध्यान में रखते हुए या चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा कस्टमाइज सीट जिसके साइड में ही पैडिंग हो और बीच में भी हो और ये कुछ इस तरीके से बनी होगी तो मेरा नाम है अमित आप देख रहे हो रेड विद रिस्पॉन्सबिलिटी आया हुआ पवन एक्सरसिज कर बोलो आपके अंदर वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट्स रेव तो सबसे पहले जो सीट आती है मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट सीट है वो है कुछ इस टाइप की सीट ज़्यादातर तो लोगों को ये सीट ज़्यादा पसंद आएगी ये सीट आपकी हर बाइक मॉडल के लिए बन जाएगी इलेक्ट्रा क्लासिक स्टैंडर्ड तीनों के लिए बन जाएगी ओरिजिनल प्लेट के ऊपर बनती है डायरेक्ट फिटिंग के साथ आएगी डिज़ाइन आप इसमें कुछ भी करा सकते हो कुछ ऑप्शन जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने चल रहे हैं उनमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट इसमें से कर सकते हो डिज़ाइन के मामले में कलर मिल जाएंगे इसके अंदर ये वाला जैसे अभी आप ये देख रहे हो टेन कलर इसको बोलते हैं इसके अंदर आता है एक डार्क ब्राउन एक आता है ब्राउन एक आता है ब्लैक आप अगर ब्लैक वाइट वाइट ब्राउन भी कराना चाहो तो वो भी आप करा सकते हो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जो पिलियन और राइडर का कम्फर्ट ये देख सकते हो आप ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये देखो इसकी जो सॉफ्टनेस है आप यहाँ से इतना ज़्यादा महसूस नहीं कर पाओगे बट ये जो सीट्स होती हैं ये ओवर द टाइम यूज़ करने के बाद महीना डेढ़ महीना अगर आप इनको रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि फर्स्ट का जो पिल्लो होता है उसको अपना सॉफ़्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और वो सॉफ्ट तब होता है जब आप उसको रेगुलर यूज़ करते रहते हैं आगे बढ़ते हैं तो जैसे आप ये देख रहे हो इसके अंदर ये स्क्रैमलर टाइप जो सीट्स होती हैं स्ट्रेट सीट बोलते हैं इनको एकदम स्ट्रेट सीट ये आपके हर कलर में बन जाएंगे ये देखो इसका इसका क्वेश्चन देखो आप आपको कितना मजा आ जाएगा आपको इसके ऊपर बैठ के कंफर्ट आपको पूरा इसके अंदर मिलेगा कहोगे तो और क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा वैसे ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट फिट हो जाएगी ये आपकी हर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रा क्लासिक की बाइक के लिए स्क्रीन शॉट लो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर शेयर करो प्राइज़ के साथ ये घर ये आपके घर पर पहुँच जाएगी कलर वही कोई सा भी कलर इसके अंदर मिल जाएगा ब्लैक टैन ब्राउन वाइट ब्राउन ब्लैक ब्राउन जो भी आपने कॉम्बिनेशन कराना हो सो so, इस टाइप की भी कुछ सीट्स आती हैं और ये आप देख सकते हो तो कुछ इस टाइप से दिखती हैं आपकी हर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रा क्लासिक तीनों पे लग जाएगी ज़्यादातर तो लोग क्लासिक पे लगवाते हैं स्टैंडर्ड पे जो सीट आती है उसकी लोग ज़्यादातर तो उस पर वही रखते हैं जैसे ये जो सीट है देखो इसके पीछे जो पिलियन के लिए भी बहुत ज़्यादा कम्फर्ट है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सीट ये बनाई हुई है और डिज़ाइन आप इस पर कुछ भी करा सकते हो जैसे इसके ऊपर ये ब्लू ये ब्लैक कलर की पाइपिंग यूज़ करिए साथ में वाइट कलर का ये वैसे डिज़ाइन दिया है एकदम सोफा टाइप सीट लगेगी ये आपकी अगर आप बाइक पर बैठ के इस पर राइड भी करते हो तो लॉन्ग राइड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी कलर और डिज़ाइन की मैं आपसे बात कर रहा था देखो जैसे इसके अंदर यहाँ पे ये यह यह स्ट्रेट लाइन थी इसके अंदर यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी लाइनें और उसके अंदर चेक्स मिलते हैं बीच बीच में बॉक्सेस मिल रहे हैं उसके अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पे जो ब्लैक सीट मिल रही है इसके ऊपर एक अलग डिजाइनिंग कर रखी है आप डिज़ाइनिंग कुछ भी करवा सकते हो अगर आपके पास कोई अपनी फोटो भी है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर शेयर करेंगे और आपके पास सीट बनकर आपकी एग्जैक्ट सेम टू सेम पहुँच जाएगी जैसे मैंने आपको पहले एक स्ट्रेट सीट दिखाई थी जो लो राइडर सीट भी कहलाती है लेकिन कम्फर्ट भी पूरा ध्यान रखती है उसके अंदर ये एक और डिज़ाइन है आप देख सकते हो पूरे अच्छे तरीके से इसके अंदर जो बर्फियाँ हैं बड़ी बर्फियाँ बना रखी हैं अब बात आती है कई लोग बोलते हैं हमें एकदम कम्फर्टेबल सीट चाहिए अपने लिए भी और पिलियन के लिए भी और राइड करनी है सौ डेढ़ किलोमीटर तो उनके लिए आती हैं कुछ ऐसी बिग बॉस टाइप सीट ये देख सकते हो आप जैसे ये सीट है ये देखो ये जो सीट है ना ये सीट आपको देखने में इतनी ज़्यादा देखो जैसे मैं इसको यून दबा रहा हूँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और जब बंदा इसके ऊपर बैठता है ना तो बंदा नॉर्मल अपनी बाइक पे नहीं बैठा बंदा एक तरीके से सोफे पे बैठा है क्योंकि इसका हल्का सा ऐसा ये अंदर की तरफ से बैंड है तो बंदा अंदर हो बैठता है और ये साइड्स में जो ऊँच के ऊँचे ऊँचे से हैं ये आपको एक तरीके का बकेट फील करेंगे जब आप इसके ऊपर बैठ के राइड करते हैं और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राइडर के लिए सॉफ्ट है ये इसका जो पिलियन का है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ पिलियन जो है पिलियन के लिए भी ये इतनी मोटी सीट है नॉर्मल से बहुत ज़्यादा मोटी सीट है जो नॉर्मल क्लासिक की आती है जो स्टॉक कंपनी की तरफ से जो आती है उससे ये बहुत ज़्यादा मोटी भी है प्लस में कुशन बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात इनकी सीट्स की क्या होती है कि इन सीट को आप रेगुलर यूज़ करो हफ्ता डेढ़ हफ्ता दो हफ्ते अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे तो ये सीट्स और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं टाइम के साथ साथ अब कई लोग क्या करते हैं सीट को करवाते हैं कस्टमाइज मैं आपको एक सीट ऐसी दिखाता हूँ जो एक अलग तरीके से बनी हुई है और जिसका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है हालाँकि मैं मेरा मन तो नहीं है इसको बाहर निकालने का लेकिन फिर भी मैं आपको बाहर निकाले बिना दिखा नहीं पाऊँगा ये देखो ये जो सीट बनवाई है किसी बंदे ने जिसने ही बनवाई बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनवाई ये देखो ये देखो कितनी ये खूबसूरत सीट है ये यूँ करके ऐसे लगेगी कि बंदा ऐसे अंदर बैठता है वाइट कलर की पाइपिंग के साथ बीच की लाइने बहुत ही इसको प्रीमियम बनाती है और सिर्फ ये ऐसी आगे की नहीं है ये ऐसी इसकी पीछे की भी है पिलियन की ये देखो ये देखो, ये देखो इसकी पिलियन की जो सीट है वो भी सेम टू सेम इसी का डिज़ाइन मैच करते हुए बनाई गई है किसी भी बाइक के लिए ये बन जाएंगी कलर कोई सा भी हो सकता है ब्लैक ब्लैक ब्राउन टैन जैसे ये टैन है डार्क ब्राउन जैसे ये वाला डार्क ब्राउन कलर आता है ये भी आप बनवा सकते हो सिंगल स्प्लिट सीट अगर किसी को चाहिए तो कंफर्ट के मामले में देखो किस क्वेश्चन देखो कितना सॉफ्ट है इसका पहले से ही कितना क्वेश्चन सॉफ्ट है जब आप इसको कंटिन्यूस यूज़ करोगे ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा मजा आ जाएगा आप जब भी अपनी बाइक पर बैठ के चलाओगे तो क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इन्जॉय या एनॉय करने वाली जो चीज़ है वो है आपकी सीट अगर तो आप अपनी सीट से खुश हो तो आप अपनी बाइक की जो राइड है उसको भी अच्छे से एंजॉय कर लोगे लेकिन अगर आपकी सीट कंफर्टेबल नहीं है तो आप राइड को एंजॉय नहीं कर पाओगे ये रियलिटी है ये मैंने भी खुद भी ट्राई करा हुआ क्योंकि मेरी बाइक के भी बिग बॉस वाली सीट लगी है और मेरे को उसको चलाने का मज़ा ही बहुत आता है क्योंकि मैंने उसको कस्टमाइज़ करा रखा है जैसे आप भी करवा सकते हो अब नेक्स्ट जो आप सीट देख रहे हो ये है कबीर सिंह वाली सीट ऐसी सीट मतलब जो एकदम स्लिम सीट होती है हर मॉडल के लिए बन जाएगी जिस भी आपको मॉडल के लिए ये सीट चाहिए स्क्रीन पे लेना है इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेके आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर शेयर करना है और ये सीट आपके घर पे पहुंच जाएगी अलोंग विद प्राइजेस इसके अंदर कई लोगों की डिमांड रहती है कि हमको लेदर वाले सीट कवर लेदर की सीट चाहिए तो लेदर की सीट भी कुछ आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है आप उनको भी देख सकते हो अब जैसे ये मैंने बताया था आपको ये एक कस्टमाइज सीट है बहुत ही शानदार कुशन वाली है देखो कितनी शानदार इस तरीके से बनी है और टेक्स्चर जो इसका है वो एकदम अलग है बहुत कभी कभार ऐसी बनती है लेकिन जो पिलियन की सीट है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्टाइलिश है स्टाइल को भी ध्यान में रखा गया है तो ये छोटी सी पिलियन की सीट है इसके साथ ये ऐसे लग जाएगी कई लोगों को सिंगल सीट चाहिए होती है पीछे की सीट नहीं चाहिए तो उसके अंदर एक तो या तो आप ऐसे कबीर सिंह वाली सिंगल सीट ले सकते हो सिर्फ ये सिंगल सीट पीछे का एकदम खाली क्योंकि ये हो गई एकदम सिंपल या फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये वाली सीट है ये भी सिंगल सीट है और ये ऐसे कैसे यूँ करके ऐसे लग जाएगी आपकी बाइक के अंदर ऐसे करके आप आराम से इस पर थोड़ा लो राइड करके आप इस पर बैठो कुशन इसके अंदर भी है ऐसा नहीं है कि अगर पतली सीट मिल जाए तो कुशन नहीं मिलेगा आप चाहो तो कुशन थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड करवा सकते हो एक्स्ट्रा थोड़ी सी पेमेंट करके सीट्स पहुँच जाएंगी आपके अपने घर पर अब जैसे मैंने आपको अभी एक ही सिंगल सीट दिखाई इसके अलावा एक सिंगल सीट और है ये आप देखो मैंने जैसे बोला था कि आप कुशन थोड़ा सा और ऐड करवा सकते हो इसके अंदर कुशन और ज़्यादा थोड़ा सा ऐड कर दिया और ये सीट भी सिंगल सीट ही है अब मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखाता हूँ जैसे आप ये देख सकते हो इधर जैसे मैंने अभी आपको इस ये टैन में दिखाई थी ये ब्राउन के अंदर है उसके नीचे अभी आप देख सकते हो ये हारले मॉडल जैसे मैं बता रहा ये रैक्सीन का कपड़ा है बट अगर आपको लेदर चाहिए तो लेदर की कोशिश भी की जा सकती है सेम ये ऐसी बन जाएगी आपकी किसी भी मॉडल के लिए जैसे मैंने आपको ये बिग बॉस दिखाई थी बिग बॉस के अंदर आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो अब जो आती है सबसे अल्टीमेट सीट आती है अल्टीमेट सीट का मतलब हो गया उस सीट पे आप बैठ के आपको एकदम मज़ा आ जाने वाला है और वो है ये बैक रेस्ट वाली सीट हालांकि इनकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर होती है कम से कम ये अराउंड पाँच हज़ार के आसपास की आएगी साढ़े चार पाँच हज़ार के बीच में ये सीट आती है क्योंकि इसका जो मेन जो ख़र्चा होता है वो बैक रेस्ट का होता है बैक रेस्ट की वजह से इनकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है सो so, ये सीट भी आपको मिल जाएगी जैसा आप चाहो वैसा कलर इसके अंदर करा सकते हो ब्राउन पे ब्लैक ब्लैक पे ब्राउन या वाइट पे ब्राउन जैसे इन्होंने लेदर का पीस यहाँ पे लगवाया वैक्सीन का आप कुछ भी इसके अंदर कस्टमाइजेशन करवा सकते हो स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आपको स्क्रीन शॉट भेजना है सीट का सीट आपके घर पर पहुँच जाएगी कुछ मॉडल्स और अवेलेबल हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आपको मैंने हर तरीके की सीट दिखाई अब एक सीट का तरीका रह गया था वो है ये स्लिम सीट बहुत ही ज़्यादा पतली सीट जिनको अपनी बाइक के ऊपर चाहिए स्टाइल के लिए देखो कितनी शानदार सीट है ये और इसके अंदर भी आपको कुशन मिलता है क्वेश्चन मैं फिर आपको बोलूँगा जैसे भी आप इनको सीट का मंगाते हैं हफ्ता डेढ़ हफ्ता महीना आप इसको यूज़ करें उसके बाद क्वेश्चन आपका और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा स्क्रीन अभी लो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप शेयर करो सीट आपके घर पर पहुँच जाएगी अब मैंने आपको लो राइडर सीट दिखाई थी देखो लो राइडर सीट के अंदर कितने सारे यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने लगे हुए हैं ये ब्राउन है ये भी साथ वाला भी डार्क ब्राउन है वो ब्लैक है प्लेन ब्लैक है एकदम उससे इधर आते हैं तो ये सोफ़ा वाली सीट है इसके बारे में आपको भी बताऊँगा सोफा सीट जो होती है ये हारले मॉडल की सीट है ब्लैक के अंदर डिज़ाइन स्ट्रेट है अब जैसे ये है लो राइडर सीट एकदम कोई डिज़ाइन नहीं सिर्फ ये वाइट कलर से जो स्टिचिंग कर रखी है उसी की डिज़ाइन आ रहा है यहाँ पे उसके बाद ब्लैक के अंदर बर्फ़ी वाला डिज़ाइन है सारे सारे मॉडल के लिए सीट्स बन जाएंगी उसके नीचे डार्क ब्राउन कलर का, का मॉडल है ये आपको मैंने दिखा दिया पहले ये स्टैंडर्ड की थोड़ी सी स्लिम सीट है जैसे स्टैंडर्ड में थोड़ी ऊंची सीट आती है थोड़ी सी उसके नीचे वाली सीट है मतलब जो है उसका थोड़ा सा हाफ पिलो है इसके अंदर उसके साथ में आपको ये दिखा दी हार्ले मॉडल की उसके साथ फिर एक और ये बहुत ही शानदार ब्लैक कलर में कोई डिज़ाइन नहीं कुछ नहीं सिंगल सीट टाइप है ये पीछे की सीट बहुत ज़्यादा इसके अंदर छोटी है ये भी आप मंगवा सकते हो आपकी बाइक बहुत ज़्यादा क्लासी रहेगी उसके नीचे अगर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रही है सोफा सीट ये सीट मेरी फेवरेट है बहुत ही ज़्यादा अगर आपको ये मंग अगर आप इस सीट के ऊपर बैठ गए तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आ जाएगा सीट की कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहती है ऐसी टाइप की सीट की क्योंकि ये जो सीट्स होती हैं ये स्पेसिफिक बनती है मतलब इनका जो बनने का तरीका है वो किसी दिन आपको दिखाऊंगा किसी वीडियो के अंदर ये सीट सोफ़ा साइड सोफ़ा टाइप सीट होगी पीछे वाला बंदा भी ऐसे सोफे पे बैठता है इनके अंदर बैक रेस्ट भी लग सकता है अगर आपने लगवाना हो तो पर इनके अंदर कुछ एक लिमिटेड बैक रेस्ट ही होते हैं वही लग पाते हैं वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी पिलियन के लिए जरूरत पड़ सकती है राइडर के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी टाइप की सीट के अंदर बैक रेस्ट जो होते हैं वो थोड़े से अलग लगते हैं कैरियर जिनके हाथ होता है वैसे बैक रेस्ट लगते हैं ये सीट का कंफर्ट देखो आप बंदा पूरा सोफे के अंदर बैठता है और आगे वाले बंदे के लिए तो यहाँ पे बैक रेस्ट का भी ऑप्शन उसको मिल जाता है इसको बाइक इसको बाइक पे लगा लिया उसके बाद आप लंबी राइड पे निकल जाओ आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी जैसे मैंने आपको ये सीट दिखाई इसी में आपको और ऑप्शन भी मिल जाते हैं बजट कम है लेकिन थोड़ा सोफा टाइप सीट चाहिए तो आप ये देख सकते हो तो ये सीट है थोड़ी सी उससे मिलती जुलती सीट है बट यस इसके अंदर थोड़ा सा कुशन थोड़ा सा कम है लेकिन इतना ज़्यादा आपको दिक्कत इसके अंदर भी नहीं आएगी पीछे वाले बंदे के लिए भी ठीक ठाक क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाता है डिज़ाइन आप अपनी मर्जी से जो मर्ज़ी करवा सकते हो ये सीट का जो डिज़ाइन है एकदम ये सिंपल है आप इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ करा सकते हो स्क्रीन अभी लेना डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर शेयर कर बाद जब स्लिम सीट की चली रही थी तो मैं इसको कैसे भूल जाऊँ देखो एकदम प्लेन स्लिम सीट कितनी पतली सीट है आधे इंच से भी पतली है ये सीट प्लस क्वेश्चन इसके अंदर भी है पीछे वाले के लिए भी और आगे वाले के लिए भी इसके अंदर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है ये एक मॉडल इसके अंदर आपको मिल जाता है आप जैसे बीट्स लगवा सकते हो इस टाइप की कस्टमाइजेशन इसके अंदर आप करवा सकते हो कुशन इसके अंदर भी आपको प्रॉपर मिलेगा ये आगे आगे एक्शीन का हरले मॉडल जैसे मैंने आपको दिखाया था बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है अगर आपकी बाइक पर लग जाता था। तो सारी सीट मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई है इसके अलावा कोई आपकी सीट की इंक्वायरी हो तो आप स्क्रीन दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर भेज सकते हो और वो सीट आपके घर पर पहुँच जाएगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फेसबुक को फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहाँ पे भी हमें आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए मैं वैसे लाइक करने के लिए बोलता नहीं हूँ बट लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना थैंक्स फॉर वॉचिंग